हाँ तो चलिए स्टार्ट किया जाए। ठीक है, आज अपना नया चैप्टर स्टार्ट होगा, दैट इज पी ब्लॉक। और ठीक है, यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नाइट्रोजन फैमिली। और सबसे पहले कुछ ओवरव्यू है यहाँ पे, फटाफट चलिए देख लेते हैं। जैसे कि फिजिकल प्रॉपर्टी, हालांकि पूरा का पूरा जो ब्लॉक केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं उसमें कुछ इसी तरीके से आपको सीक्वेंस नजर आएगा। ठीक है, क्या क्या हम बता रहे हैं, तो फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, उसका केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में, ठीक है, केमिस्ट्री ऑफ नाइट्रोजन के बारे में, यानी कि उसका क्या थोड़ा सा प्रॉपर्टी है स्पेशली उस एलिमेंट के बारे में। और उसमें भी हम लोग देखेंगे N2NH3 ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन के बारे में पढ़ना है, ऑक्सी एसिड्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है, ऑक्सी एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन के बारे में पढ़ना है, जैसे कि HNO3 के बारे में खास करके अपने को पढ़ना है। उसके बाद यदि हम बात करें केमिस्ट्री ऑफ फॉस्फोरस के बारे में अपने को जानना है, जैसे कि एलोट्रॉप्स ऑफ फॉस्फोरस, ठीक है, इसके बारे में हम बॉन्डिंग में भी डिस्कशन किए थे, PH3, ठीक है, ऑक्साइड्स ऑफ फॉस्फोरस, ऑक्सी एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस बहुत इंपॉर्टेंट है, हैलाइड्स ऑफ फॉस्फोरस, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। और ये किसका है, केवल केवल और केवल नाइट्रोजन फैमिली का, ठीक है, नाइट्रोजन फैमिली का है, यानी कि ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा, ये बेटा ग्रुप नंबर आपका 15 का हम लोग देख रहे हैं, क्लियर। और आगे भी इसी तरीके से जुड़ रहेगा, दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, और जो अपने को सिलेबस में पढ़ना है वो खास करके जो फर्स्ट टू एलिमेंट्स हैं उनके बारे में अपने को पढ़ना रहा, ठीक है, फर्स्ट टू एलिमेंट्स में, जैसे कि इसमें अपने को कौन सा पढ़ना रह गया, नाइट्रोजन को और फॉस्फोरस। उसी तरीके से अगला जो भी ग्रुप हम लोग देखेंगे 16 में, तो ऑक्सीजन को और सल्फर को, यानी कि जो कंपाउंड्स देखेंगे वो ऑक्सीजन का और सल्फर का, ठीक है, एज इट इज। फिर उसके बाद यदि हम आगे चले जाएंगे ग्रुप नंबर 17 में, तो फ्लोरीन को और क्लोरीन को खास करके दूसरे एलिमेंट्स के भी कंपाउंड्स को हम लोग देखते हैं थोड़ा बहुत जो अपने सिलेबस में, लेकिन मुख्य तौर पर खास तौर पे जो है हम लोग वही फर्स्ट टू एलिमेंट्स को देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले किससे, हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज से, ठीक है, किससे स्टार्ट करेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज से। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, मेटल, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, तो 15 है, ठीक है, ये क्या है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मत, ठीक है। याद करने का तरीका क्या बताए थे, ये था नेपाल, नेपाल, ठीक है, नेपाल, ठीक है, पाकिस्तान, पाकिस्तान, ठीक है, उसके बाद अपना आ गया था ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, और नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब सब भिखारी, ठीक है, ये थोड़ा सा मजाक वाला है, ठीक, तो क्या बोले, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी, इस तरीके से याद करने का तरीका हो गया। यहाँ पे ग्रुप 15 है। अब इसमें मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, तो स्टार्टिंग के फर्स्ट टू, यानी कि नाइट्रोजन और फॉस्फोरस जो होता है नॉन मेटल होता है, As एंड Sb, ठीक है, आर्सेनिक, एंटीमनी जो होता है वो मेटलॉइड होता है, ठीक है, मेटलॉइड क्या हो गया, जो मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर दोनों को शो करता है, एंड बिस्मथ इज अ मेटल, टिपिकल मेटल जो है वो बिस्मथ होता है। और पहले भी पढ़ चुके हैं हम लोग, एक जो जनरली ये ट्रेंड जो है वो क्या बताता है कि डाउन द ग्रुप हम लोग जाते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, इंक्रीज होते हुए नजर आता है, बात समझ में आया। तो वो चीज़ यहाँ आपको नजर भी आ रहा होगा कि स्टार्टिंग में जो है वो नॉन मेटल था, देन उसके बाद धीरे से मेटलॉइड में आया, देन आफ्टर मेटल्स में आया। पी ब्लॉक में ये जो है इस तरीके से कंबाइंड जो प्रॉपर्टीज है वो देखने को मिलता है। एस ब्लॉक में केवल और केवल क्या रहता है आपका, मेटल्स होते हैं। डी ब्लॉक में भी चले जाएं तो मेटल्स ही होते हैं, एफ में भी मेटल्स ही हैं, लेकिन आपका जो पी ब्लॉक है वो दोनों चीज, तीनों चीजों से भरा हुआ है, दैट इज मेटल्स, मेटलॉइड्स एंड नॉन मेटल, इन सबसे भरा हुआ है। और डाउन द ग्रुप जाएंगे तो क्या, यहाँ पे देखिए ये नोट करके भी लिखा हुआ है कि मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो इंक्रीज करता जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की यदि हम बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी इंपॉर्टेंट है। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बोलता है, NH2, ठीक है, ये क्या है, NS2 और NP3, और N विच रिप्रेजेंट्स क्वांटम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, N क्या बताता है आपका, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब यदि हम यहाँ पे चले जाएँ, जैसे कि यहाँ पे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा, 7, 15, 33, ठीक है, 51, 83। अब याद इसको भी कैसे रख सकते हैं, तो मैजिक नंबर बताए थे पी ब्लॉक के, ठीक है, पी ब्लॉक के लिए मैजिक नंबर था, ठीक है, मैजिक नंबर क्या मैजिक नंबर है, 8, 18, 18, 32। तो 8, 18, 18, 32 कहने का मतलब है
ये यदि अपने को इतना यदि याद रहेगा, ये यदि अपने को इतना याद रहेगा तो हम आसानी से एटॉमिक नंबर निकाल सकते हैं। जैसे कि नाइट्रोजन का आपने को तो पता है 7, उसमें यदि हम 8 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, फॉस्फोरस का आ जाएगा, ठीक है, दैट इज 15। और फॉस्फोरस में 18 जोड़ेंगे तो किसका आएगा, आर्सेनिक का, इसमें 18 जोड़ेंगे तो आएगा एचबी का, इसमें 32 जोड़ेंगे तो आएगा बिस्मथ, इज दैट क्लियर। उसके बाद जो एटॉमिक नंबर 7 वाला जो है वो पीरियड 2 में है, 3 में, 4 में, 5 में, 6, ठीक है, 6 पीरियड में ये आपका आ जाता है। इलेक्ट्रॉन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, एच ई, यानी कि पीरियड 2 में आता है तो नोबल गैस कौन सा लेंगे हम लोग, फर्स्ट वाला, ठीक है, यानी कि जस्ट नियरेस्ट नोबल गैस हम लोग इसे लेते हैं, तो कौन सा आ जाएगा, हीलियम, तो हीलियम 2s2 2p3, ठीक है, इसका भी नियॉन 3s2 3p3, ठीक है। अच्छा, और खास बात क्या है ना पी ब्लॉक में, कि एन एस क्या लिखे हम 2, और एन पी क्या लिखे हैं हम, एन पी लिखे हैं 3। तो हालांकि पी ब्लॉक में क्या होता है, पी ब्लॉक में एन पी जो होगा वो 1 से लेकर 6 तक आपका बेटा देखने को मिलता है। खास बात है कि ये दोनों एन का वैल्यू सिमिलर रहेगा, यदि हम 2 ले रहे हैं तो ये भी 2 होगा, यदि हम ये 3 ले रहे हैं तो ये भी क्या हो जाएगा, 3, और यदि हम ये 4 ले रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, 4। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 2 है तो यहाँ भी 2 आपको नजर आएगा, 3 है तो 3 है, 3, अच्छा ये 4 है तो ये 4, आउटर वाले की बात कर रहे हैं, ये तो 3d10 हो गया, 4d10 हो गया, ठीक है, ये देखिए 5 5, तो इस तरीके से। और 86 का जाएंगे तो ये 4f14 भी यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। और लास्ट स्टेबल नॉन रेडियोएक्टिव एलिमेंट है, ठीक है, बात समझ में आया, लीस्ट स्टेबल हम कहेंगे, ठीक है, काफ़ी लिस्ट स्टेबल माना जाता है, और नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है वो ये है आपका, ठीक। और यहीं पे बिस्मथ जो है, और एक खास बात आपको बताएं, पढ़ा चुके भी हैं बॉन्डिंग में, लेकिन फिर से आपको याद दिलाते हैं कि बिस्मथ जो है वो इनर्ट पेयर इफेक्ट जो है आपका शो करता है। बिस्मथ क्या शो करता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट, बात समझ में आ रहा है क्या हम बोले, तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान में रखना। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या है वो सारा कुछ हम बता चुके हैं, ठीक है, लेकिन आगे भी हम लोग सॉरी बॉन्डिंग में सारा कुछ पढ़ चुके हैं, इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या है क्या नहीं है वो सारा कुछ, तो यहाँ पे जो जो अपने को पढ़ना है उसी के बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पे अब आता है नेचर एंड एलोट्रॉप्स, किसके बारे में आ रहा है, नेचर एंड एलोट्रॉप्स के बारे में। तो नेचर जो है N2 जो होता है बेसिकली क्या होता है बेटा, कलरलेस होता है, डाई एटोमिक होता है, इसलिए तो N2 हम लोग लिखते हैं। और क्या होता है, ये एलोट्रॉप तो नहीं करता, ठीक है, एलोट्रॉपिक फॉर्म में नहीं रहता है, ठीक। एंड रिमेनिंग ऑल द मेंबर जो होंगे, यानी फॉस्फोरस, HBr और Bi जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं, कैसे होते हैं बेटा, सॉलिड होते हैं, और साथ ही साथ एलोट्रॉपिक फॉर्म को शो करता है। सारा बात समझ में, एलोट्रॉपिक फॉर्म को क्या करता है, शो करते हुए नजर आएगा, ठीक। यदि हम P4 की बात करें, ठीक है, तो ये सॉफ्ट सॉलिड होता है, P4 कैसा होता है, सॉफ्ट सॉलिड होता है। एलोट्रॉप्स की बात करें तो वाइट, रेड और ब्लैक जो है वो फॉस्फोरस बनता है, आप सुने भी होंगे वाइट फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस, ब्लैक फॉस्फोरस, और इसके बारे में डिटेल से अपने को पढ़ना भी है, फॉस्फोरस का जब हम लोग कंपाउंड देखेंगे तब। और बॉन्डिंग में भी हम ये थोड़ा सा जो एलोट्रॉप्स है फॉस्फोरस का उसके बारे में बताए थे पूरा, लेकिन फिर से यहाँ पे हम लोग देखें एटॉमिक साइज की बात करें, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, एटॉमिक साइज हमको बैलेंस पता है कि डाउन द ग्रुप हम लोग जाते हैं, डाउन द ग्रुप जाते हैं, तो ये एटॉमिक साइज जो होता है, ठीक है, एटॉमिक साइज जो होता है वो क्या होता है बेटा, इंक्रीज होते जाता है, ठीक है, डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीज, आयोनिक साइज भी जनरली इंक्रीज होता है, कभी कभी एक्सेप्शन पाया जाता है, ठीक है, कभी कभी एक्सेप्शन भी मिलता है। तो यदि हम किसकी बात करें, ग्रुप नंबर 15 जो अपना चल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, सबसे लास्ट में कौन, सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा, यानी डाउन द ग्रुप जाएंगे तो वही जो है एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा, यानी कि बिस्मथ सबसे बड़ा, देन एस बी, देन ए एस, देन पी एंड देन सबसे एन। लेकिन ये चीज़ कहा जाता है कि लेस डिफरेंस इन साइज, ठीक है, एस बी और बी आई, ठीक है, एस बी और बी आई, इन दोनों का क्या है बेटा, सेल ही चेंज होता है ना, डाउन द ग्रुप में तो डायरेक्ट सेल चेंज हो जाता है, ठीक है, तो सेल चेंज हो जाता है तो उसका साइज में काफ़ी ज़्यादा चेंज आ जाता है, ठीक। लेकिन कहता है एक चीज़ यहाँ पे कि इनका एस बी और बी आई के बीच में बी आई बड़ा है, लेकिन बी आई का साइज जो है वो एस बी से बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं, बात समझ में आया, एस बी से बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं, तो उसका रीज़न क्या बताया है, तो उसका रीज़न है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, बताते हैं ना लेंथेनॉइड सीरीज अचानक से आ जाता है, तो एफ
जो ऑर्बिटल्स के जो इलेक्ट्रॉन से अचानक से बढ़ जाते हैं, जिसके कारण पुअर शील्डिंग हो जाता है, ठीक है। और पुअर एफ ब्लॉक का क्या है, सबसे पुअर शील्डिंग है, पुअर शील्डिंग हो जाता है तो जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है, तो साइज क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, साइज कॉन्ट्रेक्शन हो जाता है, जिसके कारण साइज जो है डीआई का बहुत ज्यादा बढ़ नहीं पाता है। बात समझ में आया, ठीक है, साइज कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, तो ये रीजन है, इसको हम लोग लेंथेनॉइड कॉन्ट्रेक्शन कहते हैं। अब हम लोग आते हैं आयोनाइजेशन इंथैल्पी। तो आयोनाइजेशन इंथैल्पी क्या बोलता है बेटा, आयोनाइजेशन इंथैल्पी क्या बोलता है कि जैसे ही हम लोग डाउन द ग्रुप जाएंगे, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं, डाउन द ग्रुप में जनरली, ठीक है, हम लोग क्या लिखते हैं कि जनरली जो होता है वो आपका आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है बेटा, कम होगा, क्योंकि जैसे जैसे हम नीचे की ओर जाएंगे, ये जो है एटम का जो साइज है वो क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, ठीक है, जाएगा, तो आउटर इलेक्ट्रॉन का जो इसके साथ अट्रैक्शन है, ठीक है, न्यूक्लियस के साथ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो धीरे धीरे क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा, तो अपने को, ठीक है, अपने को कम से कम एनर्जी दे करके इस इलेक्ट्रॉन को हम लोग रिजेक्ट करवा सकते हैं, इज दैट क्लियर। तो इसीलिए आयोनाइजेशन एनर्जी जो है अपने को क्या लगता है, कम। तो मूविंग डाउन द ग्रुप जनरली आयोनाइजेशन इंक्रीजेस डिक्रीजेस, ठीक है, और दे हैव हाई फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी एज कम्पेयर टू ग्रुप 16। और एक खास बात यहाँ पे है, खास बात यहाँ पे क्या है, ध्यान में रखना है कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये सब कुछ, पहला इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं कि इसमें तीन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, लास्ट में जैसे ये एल की बात कर रहे हैं, एल्यूमिनियम का कितना इलेक्ट्रॉन, लास्ट में तीन इलेक्ट्रॉन है, या हम इसके नाइट्रोजन की ही बात करें तो नाइट्रोजन का क्या हो जाएगा, 2 और 7, ठीक है, 2 और 5, तो लास्ट में 5 इलेक्ट्रॉन। तो पहला इलेक्ट्रॉन को यदि निकाल रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, सेकेंड इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, और यदि तीसरे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहे हैं तो थर्ड, ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी, इस तरीके से कहा जाता है। तो वही कहता है कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी जो होता है वो एज कम्पेयर टू ग्रुप 16 काफ़ी हाई होता है। अब ये क्या बोल रहा है, एज कम्पेयर टू ग्रुप 16, तो ग्रुप 16 यहाँ है और यहाँ क्या है, ग्रुप 15 है, तो पहले कौन आ रहा है, ग्रुप 15, और देन उसके बाद कौन आ रहा है, ग्रुप 16। तो जब हम लोग अलोंग द पीरियड जाते हैं, अलोंग द पीरियड क्या होता है बेटा, साइज छोटा होता है, साइज क्या होता है, छोटा, अलोंग द पीरियड जाएंगे तो साइज क्या हो जाएगा, छोटा, और साइज छोटा होगा तो यहीं पे कहें सब, साइज छोटा होगा तो आई ज़्यादा लगेगा, तो ग्रुप 16 में क्या होना चाहिए था, आई ज़्यादा होना चाहिए था, लेकिन ग्रुप 15 का आई ज़्यादा होता है, उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न है हाफ फील्ड ऑर्बिटल, ठीक है, हाफ फील्ड ऑर्बिटल इज मोर स्टेबल, एटॉमिक स्ट्रक्चर में ही पड़े, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, NH2NP3, ये क्या है, NP3 होता क्या है, 6 का हाफ क्या हो जाएगा, जस्ट 3, तो ये हाफ वाला आ गया है, ठीक है, हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, कैलिका हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन मोर स्टेबल, दैट्स व्हाई आईई फर्स्ट ऑफ ग्रुप 15 इज बेटर देन ग्रुप 16, इज दैट क्लियर। और यदि हम आगे थोड़ा सा चले जाएंगे तो बेसिकली यहाँ पे ध्यान में रखेंगे, ठीक है, तो आईई जो है सबसे ज्यादा किसका होगा, आईई नाइट्रोजन का होगा, देन उसके बाद फॉस्फोरस का, देन ठीक है आर्सेनिक का, ठीक है, देन SB का, और देन BI का सबसे कम माना जाएगा, ठीक है। ये जनरली जो है ना वो देखने को कभी कभी जो है वो चेंजेस भी नजर आता, ठीक है, ये जनरली हम बात करते हैं, कभी कभी जो है चेंज भी नजर आता, उसके पीछे कई सारे लॉजिक होते हैं, कई सारे रीजन होते हैं। यहाँ पे यदि हम बात करें इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होता है बेटा, डिक्रीज होता है, ठीक है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होता है, डिक्रीज। अब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कैसे, तो जाहिर सी बात है कि डाउन द ग्रुप हम लोग जा रहे हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, और मेटेलिक कैरेक्टर क्या शो करता है, मेटल्स क्या शो करते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी को, इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर होते हैं। इलेक्ट्रोनिगेटिव का मतलब जो इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी रखता हो, और इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखता हो। तो यदि हम डाउन द ग्रुप कह रहे हैं कि मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, इट्स मीन इंक्रीज इन इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी नेचर एंड डिक्रीज इन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी नेचर, तो अंडरस्टूड। तो डाउन द ग्रुप यदि हम जाएंगे तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होगा आपका बेटा, डिक्रीज करता है, इज दैट क्लियर, ये डिक्रीज करेगा। यानी कि यदि हम बात करें नाइट्रोजन का, तो सबसे ज़्यादा, देन फॉस्फोरस, देन आर्सेनिक, ठीक है, देन उसके बाद SB और BI का अप्रॉक्स इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होता है बेटा, समान होता है, एक समान होता है। केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो केमिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग सबसे पहले देखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट को,
तो सबसे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑक्सीजन स्टेट आपको सबसे ज्यादा पी ब्लॉक में, यदि फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो ऑक्सीडेशन स्टेट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक, क्योंकि यहाँ पे क्या हम लोग देख रहे हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, तो बोलता है कि मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, मोस्ट कॉमन मतलब सबसे ज्यादा यूज, जिसके सबसे ज्यादा कंपाउंड पाए जाते हैं, तो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है इन एलिमेंट्स का वो क्या होता है, -3, ठीक है, +3 और +5, -3, +3 और +5, और इसका टेंडेंसी टू एग्जिबिट -3 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, यानी डाउन द ग्रुप जो -3 वाला ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, -3 वाला जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, मतलब -3 कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन लेगा तभी माइनस होता है, इलेक्ट्रॉन देगा तो क्या होगा, पॉजिटिव। तो समझना है हम क्या बोले कि -3 वाला जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो डाउन द ग्रुप क्या होगा बेटा, डाउन होगा। डाउन द ग्रुप क्या होता है, मेटेलिक कैरेक्टर पड़ता है, और इलेक्ट्रो और मेटल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर को शो करते हैं। देन इट लूज देयर इलेक्ट्रॉन, नॉट गेन इलेक्ट्रॉन, तो जब लूज करेगा तो उसमें पॉजिटिव वाला स्टेबल होगा, इसीलिए कहा कि निगेटिव -3 वाला जो होगा वो डाउन द ग्रुप जाएंगे तो क्या होगा, उसकी स्टेबिलिटी कम होगी, स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। बात समझ में आया। और बिस्मत जो है रेयरली ऐसे कंपाउंड्स बनाते हैं जिनका ऑक्सीडेशन स्टेट -3 होगा, रेयरली, का मिल गया तो मिल गया, अदरवाइज बिस्मत जो है वो रेयरली -2, -3 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है। -3 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो उसकी स्टेबिलिटी जो होगा वो कौन सबसे ज्यादा शो करेगा, तो नाइट्रोजन का, ठीक है, ये स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, तो कौन सबसे ज्यादा शो करेगा, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मत। नाइट्रोजन जो है, यदि हम नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन जो है वो +1 भी शो करता है, +2 भी और +4 भी शो करता है, यानी उसके अलावा जो ऊपर में हम बात कर चुके हैं उसके अलावा +1, +2 और +4 भी शो करता है। जैसे कि NH3 कुछ कंपाउंड्स की यदि हम बात करें तो जैसे कि NH3, तो NH3 की यदि हम बात करें तो इसमें क्या है, -3 में, ठीक है, -3 में। यदि हम N2H4 की बात करें, ठीक है, N2H4, तो ये क्या शो करेगा आपका, -2, N2H2, -1, N2, 0, N2O, ठीक है, +1, ठीक है, NO, +2, ठीक है, N2O3, +4, N2O5, +5, ये डिफरेंट डिफरेंट वैलेंसीज को शो करता है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रॉम 1 to 4, ठीक है, +1 to 4 टेंड्स टू डिसप्रोपोर्शनेट इन एसिडिक सॉल्यूशन। कहने का मतलब है कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट रहता है 1 से लेकर 4 तक वो डिसप्रोपोर्शनेट को शो करेगा। डिसप्रोपोर्शनेट का मतलब क्या कि ये देखिए एग्जांपल के तौर पे समझ ज़्यादा अच्छा रहेगा। डिस्प्रोपोर्शनेट को शो करता है एसिडिक सॉल्यूशन में, जैसे कि हम ये एग्जांपल के तौर पे HNO2, तो HNO2 3HNO2 भी इसका ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे क्या है, +4। अब ये जो है किस में ब्रेक होगा, किस में, एसिडिक सॉल्यूशन में यदि हम ले रहे हैं, ठीक है, इसमें ये ब्रेक हो जाएगा HNO3, ठीक है, 2NO प्लस वाटर यहाँ पे बनता हुआ आपका नजर आएगा। क्लियर है, यानी कि जितना ऑक्सीडेशन स्टेट है उतना ये नजर आ रहा है क्या, नहीं, मतलब चेंज हो गया, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट यदि आ जा रहा है, ठीक है। नाइट्रोजन का यहाँ पे कितना था, +4, अब यहाँ पे नाइट्रोजन का कितना है, +5, +2, लेकिन +4 नहीं है, यानी कि एक तरह से वो अपना पुराना वाला ऑक्सीडेशन स्टेट अब नहीं शो कर रहा है, ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डिस्प्रोपोर्शनेट, ये है, क्लियर है। अब यदि हम बात करें फॉस्फोरस का, तो बोलता है कि फॉस्फोरस भी जो है वो +1 से लेकर +4 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, लेकिन ये कुछ अपने ऑक्सी एसिड्स में ही देखने को मिलता है, कुछ इसके, ठीक है, इन सम ऑफ इट्स ऑक्सी एसिड्स में ही देखने को मिलता है, वैसे एसिड जिसमें ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में हो, आप ऐसे समझ सकते हैं ऑक्सी एसिड्स, जैसे H3PO2, H3, ये एग्जांपल है किसके, ऑक्सी एसिड का, ऑक्सी एसिड ऑफ फॉस्फोरस, ठीक है। तो H3PO2, H3PO3, H3PO4, H2PO, H4P2O7, H2P2O6, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे +1, +3, +5, +5, +4, तो ये 1 से लेकर के ये 1 इसमें, ये 3 इसमें और ये 4 इसमें आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। और ये बात ध्यान में रखना है कि बिस्मत जो है वो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट तो नहीं कर सकता है, और उसका रीजन सिंपल है, इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है, इनर्ट पेयर इफेक्ट होने के कारण ये नहीं शो करता है। यदि हम बात करें P, ठीक है, इन केस ऑफ फॉस्फोरस,
सारे जो इंटरमीडिएट्स होंगे, ठीक है, ऑल इंटरमीडिएट्स ऑक्सीडेशन टेंड टू डिस्प्रोपोर्शनेट इनटू 5 एंड प्लस 5 एंड माइनस 3, ठीक है, वही फिर से डिस्प्रोपोर्शनेट को शो करेगा इनटू प्लस 5 एंड माइनस 3, ठीक है। और खास बात, बोथ एसिडिक और अल्कली सॉल्यूशन, इससे पहले जो नाइट्रोजन वाला हम लोग देख रहे थे वो किसमें केवल शो कर रहा था, एसिडिक सॉल्यूशन में शो कर रहा था, लेकिन फॉस्फोरस जो है वो डिस्प्रोपोर्शनेट शो करेगा दोनों, यानी कि अल्कली सॉल्यूशन में भी और साथ साथ एसिडिक सॉल्यूशन में भी। दूसरा, यदि हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो दैट इज रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के टुवर्ड्स में क्या रिएक्टिविटी है उसको देखते हैं। तो कहता है कि सारा एलिमेंट जो होता है वो रिटली कंबाइन होता है, यानी काफी तेजी के साथ कंबाइन होता है, इसके साथ हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। इस ग्रुप के सारे एलिमेंट्स जो है वो काफी आसानी से कंबाइन होते हैं हाइड्रोजन के साथ, ठीक है, और किस चीज़ का फॉर्मेशन करते हैं तो हाइड्राइड का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे कि किस तरीके के टाइप का हाइड्राइड, तो NH3 ये एक क्या है, हाइड्राइड है, ठीक। अब जैसे कि मेटल जो है वो क्या करेगा, रिएक्ट करेगा और क्या बनेगा, मेटल हाइड्राइड। तो इस बेसिस पे क्या बनेगा, NH3, CH3, ASH3, HBS3 और BIH3 इस तरीके से बनेगा। अब इसके थर्मल स्टेबिलिटी की बात करें थोड़ा सा, तो ध्यान में रखेंगे थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, थर्मल स्टेबिलिटी जो है वो डिक्रीज करते जाएगा डाउन द ग्रुप, यानी कि सबसे ज़्यादा, अच्छा इसका रीज़न क्या होता है वो भी बताएं। तो सबसे ज़्यादा जो है आपका थर्मल स्टेबिलिटी किसमें मिलेगा, NH3, BH3, देन उसके बाद ASH3, HBS3 और सबसे कम किसमें मिलेगा, BIH3। यदि हम यहाँ पे, अच्छा इसका रीज़न क्यों है, इसका रीज़न ये भी है कि ये ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि इसमें जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में ओवरलैप हो रहा है वो 2p और 1s के बीच में हो रहा है, लेकिन यहाँ पे यदि हम बात करें तो 6s और 1s के, 6p और 1s के बीच में हो रहा है, तो ये डिफरेंस ऑर्बिटल एनर्जी का जो डिफरेंस है वो काफ़ी ज़्यादा हो जा रहा है, जिसके कारण भी हम कह सकते हैं कि ये क्या है, अनस्टेबल है, और ये वाला क्या है आपका, स्टेबल। साथ ही साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग का भी चक्कर है, NH3 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होता है, इसलिए वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ज़्यादा स्टेबल है, लेकिन यहाँ पे वो चीज़ देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। आगे यदि हम बात करें रिड्यूसिंग नेचर का, ठीक है, तो जैसे जैसे मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, अब मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है भाई, तो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी भी उसकी क्या होते जाएगी, बढ़ते जाएगी। तो हम लोग डाउन द ग्रुप यदि जाते हैं तो डाउन द ग्रुप जो है वो रिड्यूसिंग कैरेक्टर क्या हो जाएगा बेटा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। यानी कि सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग कैरेक्टर कौन शो करेगा, BIH3, देन SBS3, ASH3, PH3 और NH3। NH3 जो होता है वो माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है, वीक तो नहीं कहेंगे लेकिन माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो कहलाता है। बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो डाउन द ग्रुप बॉइलिंग पॉइंट क्या होता जाएगा, इंक्रीज होते जाएगा, ठीक है, ठीक है। बॉन्ड लेंथ की बात करें तो यहाँ बॉन्ड लेंथ भी जो है वो धीरे धीरे क्या होते जाएगा, डाउन द ग्रुप इंक्रीज होते जाएगा, कोई एक्सेप्शन आपको नहीं मिल रहा है यहाँ पे हाइड्राइड का, ठीक है। उसके बाद बॉन्ड एंगल की बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा बात ध्यान में रखना है कि NH3 का जो होता है वो 10 कितना होता है, 7 डिग्री। NH3 का क्या होगा, 107 डिग्री। SP3 हाइब्रिडाइज जो सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल होता है, और देन उसके बाद PH3, ASH3, SBS3 और BIH3 देखने को मिलता है। और इसका बॉन्ड एंगल यदि हम कहें तो इसका बॉन्ड एंगल इक्वल टू नियर अबाउट 90 डिग्री आता है सबका। अब हमको सबका 90 डिग्री के बराबर कह रहे हैं, याद होगा आपको ड्रैगोज रूल पढ़ाए थे हम केमिकल बॉन्डिंग में, तो अकॉर्डिंग टू ड्रैगोज रूल जो पी ब्लॉक वाला जो है, ठीक है, ये एलिमेंट्स के जो है, तो एन वाला, ठीक है, नाइट्रोजन वाला, ठीक है, उसके बाद वाला जो हम लोग देखते हैं, तो वो सब का सब जो होता है वो तकरीबन किसके नियर अबाउट हो जाता है, 90 के नियर अबाउट आपको देखने को मिलता है, ठीक। अगला जो प्रॉपर्टीज हम लोग देखने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज, वो है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन की यदि हम बात करें तो सारे एलिमेंट जो है वो रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ, और दो तरीके के ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, दो तरीके के ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। पहला जो ऑक्साइड का जो टाइप है उसको E2O3 कहते हैं, और दूसरा जो टाइप है वो E2O5 कहा जाता है, ठीक है। जैसे कि यदि हम ई क्या ले लेते हैं, वो एलिमेंट है जो ग्रुप किसका है, ग्रुप 15 का है, ठीक है, ग्रुप 15 का है। तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने पे E2O3, और इस टाइप का यदि हम लोग लेते हैं 5O2 लेते हैं तो वो क्या बन जाएगा, E2O5, ठीक है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड कुछ इस प्रकार से बनते हैं, N2O, NO, N2O3, N2O4 और N2O5, जिसमें से सबसे ज़्यादा जो यूज होता है वो N2O3, ठीक है, और N2O5 सबसे ज़्यादा मिलता है, ठीक।
और यदि फास्फोरस का ऑक्साइड की बात करें तो P4O10, ठीक है, क्या बेटा P4O10, और ये क्या बनता है P4O6, और P4O10 आपको बता दें ये डाइमर होता है P2O5 का, और P4O6 जो होता है वो डाइमर होता है P2O3 का, इज दैट क्लियर। और ध्यान में रखेंगे कि यदि हम लोग ऑक्साइड लेते हैं मेटल का, यदि मेटल का ऑक्साइड लेते हैं तो वो कैसे किस कैरेक्टर का होता है, एसिडिक या बेसिक, बेसिक कैसा होता है, बेसिक, और यदि हम लोग नॉन मेटल का हम लोग ऑक्साइड लेते हैं तो वो क्या कैसा होता है बेटा, एसिडिक। तो जाहिर सी बात है कि यदि हम लोग डाउन द ग्रुप जाते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, मेटेलिक ऑक्साइड बढ़ेगा, ठीक है, और मेटेलिक ऑक्साइड बढ़ेगा तो बेसिक कैरेक्टर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा। तो बेसिक कैरेक्टर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप जाएंगे तो बेसिक कैरेक्टर उस ऑक्साइड का जो है वो इंक्रीज करता हुआ नजर आएगा, ठीक है। तो आपको बता दें यहाँ पे कि N2O3 और P4O6, N2O3 और P4O6 क्या होता है, एसिडिक, ठीक। उसके बाद यदि हम बात करें S2O3 और SB2O3 क्या होता है, एम्फोटेरिक, यानी कि बोथ एसिडिक एंड बेसिक कैरेक्टर इट शोज। और यदि हम बात करें Bi2O3, चूंकि ये क्या होता है, मेटेलिक, ठीक है, ये दोनों क्या था, नॉन मेटल, तो एसिडिक हो गया, ये क्या था मेटलॉइड, तो एम्फोटेरिक हो गया, और ये क्या था आपका टिपिकल मेटल, तो ये क्या हो जाएगा आपका बेसिक कैरेक्टर को शो करता है। यदि हम रिएक्टिविटी की बात करें, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हेलोजन, तो ये सभी एलिमेंट जो है हेलोजन के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, रिएक्ट करता है और EX3 एंड EX5 का फॉर्मेशन करता है, एक्सेप्ट बिस्मथ, ठीक है, एक्सेप्ट क्या है, बिस्मथ, ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। ये 5 वैलेंसी जो है वो काफी मुश्किल से शो करता है, बोले थे ना एक्सेप्ट +5, ठीक है, +5 वाला भी जो है वो काफी मुश्किल से करता है। तो ये बेसिकली, और ऐसा क्यों होता है, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, क्या बनाता है, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण। अब ये क्या बनेगा, MX3 और MX5 में ये नजर आता है। और नाइट्रोजन जो है, ये भी ध्यान में रखेंगे कि नाइट्रोजन जो है वो पेंटाहेलाइड, यहाँ पे ध्यान में रखेंगे बिस्मथ एंड नाइट्रोजन, हाँ ये बिस्मथ एंड नाइट्रोजन, देखिए यहाँ एन भी लिखा, ठीक है, बिस्मथ एंड नाइट्रोजन, ये +5 जो है वो शो नहीं करता है नाइट्रोजन, देखेंगे कैसे, ये वाला एग्जांपल यहाँ पे आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि नाइट्रोजन की यदि हम बात करें, ठीक है, नाइट्रोजन की यदि हम बात करें, ये पेंटाहेलाइड का फॉर्मेशन नहीं करता है, जैसे NCl5 NH5 का फॉर्मेशन नहीं करता है, क्योंकि इसमें एब्सेंट होता है डी ऑर्बिटल, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल इट डू नॉट फॉर्म पेंटाहेलाइड, ठीक है। लेकिन ट्राई हेलाइड का केस में बात करें तो NF3 जो होता है वो ज़्यादा स्टेबल माना जाता है, ठीक है, NF3 ज़्यादा स्टेबल होगा, क्यों, क्योंकि ये कोवेलेंट कैरेक्टर इसमें दिखाने लगता है, और BiF3 जो होता है वो आयनिक कैरेक्टर को शो करता है, ध्यान में रखना BiF3 आयनिक कैरेक्टर को शो करता है। यदि हम केमिस्ट्री ऑफ नाइट्रोजन की बात करें, अपना केमिकल प्रॉपर्टीज खत्म करके नाइट्रोजन कंपाउंड के बारे में यदि हम बात करें, कैसे कैसे बन रहा है उस चीज को अब हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखेंगे लेबोरेटरी प्रोसेस, ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि किस तरीके से लेबोरेटरी में हम लोग नाइट्रोजन को बनाते हैं। तो लेबोरेटरी प्रोसेस सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे, ये पूछ चुका है, JEE में भी आया हुआ है और नीट में भी ये चीज आया हुआ है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सोडियम नाइट्राइट, ठीक है, वो एमोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन होता है और बनता क्या है, N2+NaCl और ये H2। ये तो ओवरऑल रिएक्शन है डायरेक्ट जो भी है, लेकिन इसका थोड़ा सा हम मैकेनिज्म की भी बात करें, इनऑर्गेनिक रिएक्शंस देख रहे हैं तो थोड़ा सा मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शंस की भी बात करें कि कैसे कैसे स्टेप वाइज हो रहा है, ये तो चलिए रटना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा समझ के रटे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। स्टेप सबसे पहले यदि हम बात करें तो क्या करेगा, ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये सबसे पहले ये सोडियम नाइट्राइट NaNO2, ठीक है, इसको सोडियम एमोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो बनेगा क्या, आयन एक्सचेंज होगा, यानी Na कौन पकड़ लेगा, Cl, ठीक है, NaCl और NO2 माइनस था NH4+ इसके साथ, तो बेसिकली क्या बनेगा, NaCl और NH4NO2, दैट इज आयन एक्सचेंज यहाँ पे देखने को मिला। उसके बाद यदि हम लोग NH4NO2 को हीट करते हैं, इसको हीट करते हैं तो क्या मिलता है, N2 और पानी, क्या मिलेगा, N2 और पानी, ठीक है। तो ये बेसिकली हीटिंग इफेक्ट हो गया किसका, हीटिंग इफेक्ट हो गया एमोनिया का, ठीक है।
अब इसका देख ही लेते हैं, हीटिंग इफेक्ट आया है तो एमोनिया का पूरा हीटिंग इफेक्ट देख लेते हैं कैसे होता है, मैकेनिज्म हीटिंग इफेक्ट ऑफ एमोनिया देख लेते हैं। तो NH4Cl, ठीक है, NH4HS, NH4 का होल 2 CO3, ये क्या है, अमोनियम सॉल्ट, ये सारे क्या है, अमोनियम सॉल्ट है। इसको यदि हम हीट करेंगे तो क्या यहाँ से निकलेगा, NH3HCl, ठीक है, NH3H2S, H2S है, ठीक है, NH3 2NH3 CO2H2, और क्या मिलेगा, H2CO3, ठीक है। बेसिकली समझने वाली बात यह है कि एसिड एमोनियम सॉल्ट को हीट करने पे एमोनिया और एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है, HCl H2S, ठीक है, ये H2CO3, ये सब क्या है, एसिड ही तो है। तो बेसिकली हम ओवरऑल क्या लिख सकते हैं कि एमोनियम सॉल्ट को जब हम लोग हीट कर रहे हैं तो किस चीज का फॉर्मेशन हो रहा है, एमोनिया, और साथ ही साथ किसका फॉर्मेशन हो रहा है, एसिड का। इज दैट क्लियर, क्लियर हुआ। अब यहाँ पे देखिए हम फिर से वापस आते हैं कि ठीक ये एमोनियम नाइट्राइट है, इसको हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, ये किस में आपका 2 डी आएगा, तो सबसे पहले ये NH3 बनेगा और 2NH2 बनेगा। अब जो ये ऑक्सी एसिड यहाँ पे बना है वो किस में ब्रेक कर जाएगा, वो ब्रेक करेगा N2O3 में। इसको देखिए ना, इसको ये दो है ना पूरा, इसी को हम लोग तोड़ के बस लिखते हैं, ये पूरा का चेक कर लेना, N2O3 में टूटेगा यही वाला सेम, ठीक है, और किस में आ जाएगा ये वाटर में, ठीक। उसके बाद क्या होगा, N2O3 किसमें टूटेगा, N2 में, और प्लस 3 ऑक्सीजन, ये नेसेंट ऑक्सीजन देगा, और नेसेंट ऑक्सीजन क्या होता है, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपका होता है, और पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहेगा NH3 के साथ, फिर ये रिएक्शन होगा और क्या फॉर्मेशन करता है, N2 का बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, और उसके बाद फिर क्या होता है, 3 वाटर बाहर निकल गया। अब ये NH3 किस तरीके से बना N2 वो बताते हैं, ये NH3, ये NH3, ये नेसेंट ऑक्सीजन, ये बेसिकली क्या बाहर निकल गया, N2, और ये वाटर, 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 यानी कि यहाँ भी पानी, यहाँ भी पानी, यहाँ भी पानी, तीन पानी जो है यहाँ पे बाहर निकल गया, और इनके बीच का जो बॉन्ड डिसोसिएशन इनथैल्पी होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि साइज भी छोटा है, ट्रिपल बॉन्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरी वेरी हाई। ये तो पूरा स्टेप से, अब ओवरऑल यदि हम लोग रिएक्शन देखेंगे यहाँ पे, तो ये वाला कैंसिल होगा, ये वाला कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, ठीक है, ये कैंसिल इससे होगा, 3O2 इससे होगा, यानी ओवरऑल रिएक्शन क्या होगा, 2NH4NO2, ठीक है, गिव्स N2 2N2, और साथ ही साथ क्या होगा, 4H2O जो है ये देखने को मिलता है। बात समझ में आया कैसे हो रहा है, तो ये हुआ, और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब यदि हम बात करें, यानी कि बेसिकली हम लोग क्या लिख देते हैं, ये वाला NH4NO2 क्या मिलता है, गिब्स N2 और प्लस वाटर। अब आई थिंक आपको याद रहेगा ये कैसे हो रहा है। दूसरा यदि हम बात करें, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग कहते हैं ये VVI है, ये भी जेई और नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, जेई एन नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, ये क्या बोलता है, बाई हीटिंग इफेक्ट, बाई हीटिंग एमोनियम डाइक्रोमेट, बाई हीटिंग एमोनियम डाइक्रोमेट। तो एमोनियम डाइक्रोमेट क्या हो गया, ये वाला जिसका कैसा कलर है, कलर इसका हो गया ऑरेंज, ठीक है, कलर कैसा हो गया, ऑरेंज। थोड़ा सा कलर आपको ध्यान में रखना है कि किस तरीके से वो कलर, क्या कलर जो है वो शो कर रहा है। तो एमोनियम डाइक्रोमेट ये क्या है बेटा, एमोनियम डाइक्रोमेट कैसा कलर, ऑरेंज, और इसको हीट करेंगे तो क्या बन जाएगा, N2, और ये किस तरीके का आया, ग्रीन कलर का, एक तरह से ये टेस्ट के तौर पे भी देखा जा सकता है। कैसे हुआ ये वाला, वही ये है, तो ब्रेक किए NH3 बना, ये बना, ठीक है, उसके बाद फिर ये आया प्लस 3 शो कर रहा है, यहाँ पे ये ब्रेक करेगा ये ओवरऑल, फिर हम लोग इसको ये वाला कट होगा इससे, ठीक है, और ये वाला कट होगा किसके साथ, ये वाला कट होगा आपका इससे, ठीक है, उसके बाद NH3, ठीक है, ये हाँ ये निसेंट वाला फिर से आ गया यहाँ पे, ठीक, और ओवरऑल फिर आपका क्या बन जाएगा, ये N2, ठीक है, जो जो बच गया, कौन कौन बच गया, NH3 बचा, ठीक है, ये N2 बचा, ठीक है, ये बच गया और ये बच गया, तो ये पूरा का पूरा आपको नजर आ रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये रिएक्शन है, बता देते हैं पहले, अब यही NH4NO3 को हीट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, ये N2O और साथ साथ ऑक्सीजन, कुछ नहीं हुआ है, इसमें एक ऑक्सीजन बढ़ा है, प्लस 1O हुआ है, तो यहाँ भी प्लस 1O कर दो, सिंपल सी बात, ठीक है। और ध्यान में रखना है, इफ एनायनिक पार्ट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है, तब क्या हो जाएगा,
एनओ टू माइनस इसमें कन्वर्ट हो जाएगा एन टू में, जो ऊपर देखे थे ना ऊपर वाला रिएक्शन एनओ टू, ठीक है, एन एच एन एच फोर एनओ टू है ना, वो किस में कन्वर्ट हो गया था एन टू में, एनओ थ्री वाला पार्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा एन टू ओ में, और सी आर टू ओ सेवन माइनस टू वाला पार्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा एन टू में, ये ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट ये जो है कि हम आपको सॉफ्टवेयर जो है एक बताएं, ठीक है, समझ में आया। अब ध्यान में रखना है कि एकदम प्योर नाइट्रोजन, ठीक है, वेरी प्योर नाइट्रोजन जो होता है वो ऑब्टेंड कर सकते हैं बाय हीटिंग हम लोग बेरियम एजाइड, ठीक है, कैसे हम लोग कर सकते हैं बाय बेरियम एजाइड, तो ये है आपका सोडियम और बेरियम एजाइड, तो ये है आपका सोडियम एजाइड, ठीक है, सोडियम एजाइड, ठीक, और ये है आपका बेरियम एजाइड, बेरियम एजाइड, ठीक, तो इसके साथ यदि हम लोग हीट करेंगे तो Na into Ba into ये बनता है, ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एनसीईआरटी का एग्जाम दिया हुआ। प्रॉपर्टीज की बात करें, ठीक है, प्रॉपर्टीज की बात करें तो प्रॉपर्टीज किस तरीके से शो करेगा, तो ये कलरलेस होता है, ऑडरलेस गैस होता है, ठीक है, नाइदर कम्बस्टेबल होता है ना ही सपोर्ट करता है ये कम्बसन को, एकदम एक तरह से कहें तो इनर्ट टाइप का होता है, ठीक है, ये कंबाइन करता है ऑक्सीजन के साथ, ठीक, एट वेरी हाई टेम्परेचर, यानी कि आसानी से ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन नहीं करता, और यदि कंबाइन करता तो आज शायद हम लोग जिंदा नहीं रहते, क्योंकि हमारे एटमोसफियर में नाइट्रोजन जो है, हमारे एटमोसफियर नाइट्रोजन जो है तो सबसे अधिक अमाउंट में है, और ऑक्सीजन जो है एक तरह से क्या हो जाता है आपका लिमिटिंग, यानी कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन क्या करते हैं आपस में रिएक्ट और क्या बना देते हैं 2NO, यहाँ पे देखिए ये रिएक्शन भी लिखा हुआ, यानी कि ये N2, ठीक है, और प्लस O2 ये होता, ठीक, और कितने डिग्री पे ये होता है, तकरीबन 2000 से लेकर के ये 3000 केल्विन पे ये होता है, ठीक है, डिग्री से भी लिख सकते हैं इसको, और इसमें काफ़ी हाई, और ये क्या बनता है 2N, तो ये हमारे एटमोसफियर में है, ठीक है, सबसे ज़्यादा है, ठीक है, और ये कम है तो ये लिमिटिंग रिएजेंट के तौर पे ये हो जाता, ठीक है, और ये जो आपका ज़्यादा रहता है क्वांटिटी में, तो कहने का मतलब ये है कि ये तभी रिएक्शन पॉसिबल है जब इंद्र भगवान चाहेंगे तब, ठीक है, बिजली वगैरह कड़क रहा है कभी उस टाइप का हो गया, ठीक है, तब पॉसिबल है थोड़ा सा, लेकिन ऐसे आम पॉसिबल नहीं है, शायद ऐसा हुआ रहता तो हम लोग जिंदा ही नहीं रहते डिस्कस करने के लिए, ठीक है, और काफ़ी क्या रहेगा ये इंडोथर्मिक आपका प्रोसेस देखने को मिलता है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं एमोनिया का, यूज भी है, तो यूज क्या है, यूज भी देख लेते हैं, यूज बोलता है कि टू प्रोड्यूस और मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया बाय हैबर्स प्रोसेस, हैबर्स प्रोसेस भी आई है एकदम हैबर्स प्रोसेस जिससे अमोनिया बनता है, ठीक है, इनर्ट एटमोसफेयर प्रोवाइड करने का काम आता है, जी हाँ, इंडस्ट्रियल प्रोसेस वेयर प्रेजेंस ऑफ ओ टू एंड एयर इज अवॉइडेड, आप देखोगे चिप्स के लेज के पैकेट में क्या रहता है, अंदर में पूरा भरा हुआ रहता है, ठीक है, इतना बड़ा यदि इसका पैकेट है, इतना बड़ा यदि इसका पैकेट है, इतना ही उसमें जो है वो चिप या फिर जो भी कुछ सामान रहेगा, और बाकी जो है वो क्या रहेगा, वो सब एन टू गैस भर देते हैं, क्योंकि वो इनर्ट है, रिएक्ट नहीं करता, ऑक्सीजन रहेगा तो ऑक्सीजन रिएक्ट कर जाएगा खाना के साथ और तुरंत खराब हो जाएगा। एमोनिया की यदि हम बात करें, ठीक है, एमोनिया क्या है, NH3 है, लेबोरेटरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन कैसे होता है, सबसे पहले लेबोरेटरी में देखेंगे एक्शन ऑफ एनी बेस ऑन एमोनियम सॉल्ट, ठीक है, एमोनियम सॉल्ट के साथ किसी भी बेस का रिएक्शन, तो ये होगा क्या, तो सबसे पहले NH4Cl अमोनियम सॉल्ट है, ये प्लस में रहता है, ये माइनस में, और Na प्लस OH माइनस, तो ये बेसिकली क्या होगा, ये बन जाएगा NaCl, Na यहाँ से निकला और किसको पकड़ लिया, ये Cl को, क्या बन गया NaCl, वाटर और NH3 का फॉर्मेशन एज ए गैस के तौर पे हो जाता है। उसके बाद हम किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है, उसके बाद किस तरीके से कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका NH4O2SO4 अमोनियम सल्फेट, ये कैल्शियम ऑक्साइड बेस लिए, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट H2O और फिर से ये निकल गया, ठीक, अमोनियम फॉस्फेट यानी अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम फॉस्फेट फिर से लिए बेस, ये क्या बन गया, NH3 का फॉर्मेशन हो गया, बात समझ में आया किस तरीके से, और ये रिएक्शन में जो आयन
दिस रिएक्शन इज यूज्ड एज NH4 प्लस आयन, और ये रिएक्शन किसके लिए यूज हो रहा है, NH4 प्लस आयन के लिए यूज हो रहा है। दूसरा यदि हम बात करें तो हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइड्स, ठीक है, हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइड्स, तो नाइट्राइड्स का हाइड्रोलिसिस करना है N-3, ठीक है, यही है ना। हाइड्रोलिसिस क्या होता है बेटा, हाइड्रोलिसिस सिंपल वाटर क्या होगा, ऐड होगा, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोलिसिस, यानी H प्लस, ठीक है, और OH माइनस, यही ऐड करना है आपको। हाइड्रोलिसिस में वाटर ऐड होगा H प्लस और OH माइनस के टर्म, ठीक है, जैसे कि AlN, एल्युमिनियम नाइट्राइड, AlN, ठीक है, ये वाटर है, एक तरफ OH जोड़ो, एक तरफ H, ठीक है, सिंपल, पॉजिटिव वाला निगेटिव को जोड़ो और निगेटिव वाला किसको जोड़ो, पॉजिटिव को, तो AlN एल्युमिनियम क्या है, पॉजिटिव वाला पार्ट, नाइट्रोजन क्या है, निगेटिव वाला हो जाएगा, तो वाटर में पॉजिटिव वाला कौन है, ठीक है, एल्युमिनियम, यहाँ पे क्या एल क्या होगा बेटा, एल प्लस थ्री हो जाएगा और एन क्या हो जाएगा, -3, तो यहाँ वाटर में क्या है, एच है, ठीक है, और साथ ही साथ क्या ये लिख देते हैं, ओ एच माइनस है और क्या हो जाएगा, एच प्लस है, तो प्लस वाला किधर की ओर जाएगा, माइनस में, और माइनस वाला किधर की ओर जाएगा, प्लस में, तो क्या बन जाएगा ये, इसको बैलेंस करने के साथ बन जाएगा एल ओ एच का होल थ्राइस, इसका चार जो है इसका ब्रैकेट बन जाएगा, यानी कि एल, ठीक है, ओ एच का होल थ्राइस बन जाएगा, ठीक है, और ये क्या बन जाएगा, एन एच थ्री, सेम उसी प्रकार से इसमें करो, सेम उसी प्रकार से इसमें और सेम उसी प्रकार से इसमें, पॉजिटिव वाला को पॉजिटिव के साथ जोड़ो, निगेटिव वाला को निगेटिव, चार्ज बैलेंस करो, आंसर लिखो, ये यहाँ पे है। उसके बाद यदि हम बात करें तो एयर, एक ये भी है कि इन प्रेजेंस, ये जो है NH2CO, यूरिया, ये क्या है बेटा, यूरिया, ठीक है, यूरिया ऑर्गेनिक, ठीक है, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है विच सिंथेसाइज इन लेबोरेटरी, यूरिया, ठीक, यूरिया क्या होता है, प्रेजेंस इन एयर एंड सॉइल इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी, काफ़ी स्मॉल क्वांटिटी में एयर में, सॉइल में अपने को देखने, खास करके सॉइल को, सॉइल में देखने को मिलता है, और इसमें यदि हम वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है, तो क्या बनेगा, NH4O2CO3, और इसको यदि हम लोग हीट करते हैं, इसको हीट करते हैं, एमोनिया का फॉर्मेशन होता हुआ नजर आएगा। उसके बाद अपने को क्या देखना है, डी जो है चौथा, वह है क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ एमोनिया, ठीक है, क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ एमोनिया, तो ये क्या बोल रहा है, क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन बोलता है, जैसे कि हम नाइट्राइट ले लें या फिर नाइट्रेट ले लें, काफी इंपॉर्टेंट है, नाइट्राइट या नाइट्रेट आईटी में है, ठीक, इसमें ZN और NaOH यदि हम रिएक्शन करवाते हैं, यानी मेटल और बेस एक तरह से, तो ये किस चीज का फॉर्मेशन करता है, NH3 का, ठीक, जरा सा यहाँ पे देखेंगे कैसे कैसे ये काम कर रहा है, ठीक है, नाइट्राइट लिए, यहाँ पे N का क्या है, +3, N क्या है, +3, और 5NaOH लिए, ठीक है, 3ZN लिए, तो बेसिकली या NaOH और ZN लिए, तो ZN क्या अपना 0, ठीक, यहाँ पे आप देखेंगे तो N जो है वो कितना आ जाएगा इसका, 6, ठीक है, कंप्लीट रेडॉक्स रिएक्शन है यदि हम बात कर रहे हैं तो, ठीक है, एक ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे थे, ये इस तरीके से है, तो एक काम करते हैं, थोड़ा ये अभी ऑफ हो जाएगा अपना, इसका टाइम एक्चुअली होने को आया है, आप फिर से लिंक भेजते हैं, फिर कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, ओके, तो यहाँ पे हम इसको मीटिंग एंड करते हैं, फिर से लिंक भेजते हैं ग्रुप।